संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच पिछले साल दिसंबर 2023 में शुरू हुआ विवाद अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। YouTube वीडियो से शुरू ये मामला आज कोर्ट तक पहुंच चुका है। Good morning, everyone. क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल एमएलएम या पोंजी स्कीम है, जैसा कि मिस्टर महेश्वरी ने अपने वीडियोस में बोला? मेरा उत्तर है, मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल हो। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल का क्या हुआ, फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है हमारा, आफ्टर सेल्स सर्विस और क्वालिटी ऑफ सेल्स हम लोग चेक करते हैं। अब जिसको वो मल्टी लेवल बोलते हैं, वही LIC में भी होता है। LIC में क्या होता है, LIC में अलग अलग क्लब्स होते हैं। कौन से क्लब होते हैं, जैसे MDRT मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अब वो कोई लेयर नहीं है, वो क्लब है कि आपने इतना पैसा कमाया तो आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके ऊपर का क्लब होता है COT कोर्ट ऑफ द टेबल, उसके ऊपर का क्लब होता है TOT टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे ही हमारे भी क्लब हैं, TMC द मिलियनर क्लब, रॉयल एलीट क्लब, नवरत्न क्लब। तो ये क्लब्स हैं, इन क्लब को मल्टी लेवल नहीं बोला जाता है। एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया। तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं और रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं, कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बड़े भाई, क्यों हम 500 करोड़ करें, हम 5000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूँगा, ये लर्नड कोर्ट ऑनरेबल जज अब तय करेंगे और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर महेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है, बड़े भाई आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे, वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूफ करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने एक मिनट लगाया, आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त, उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया, तो उसके पीछे क्या कारण है मिस्टर महेश्वरी जानते होंगे। संदीप जी बड़े भाई की तरह मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर महेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तो अब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट ने समन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, हाई कोर्ट से भी स्टे उनका रिजेक्ट हो गया है। हमारे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां पे उसको समन को क्वॉश करा सके। सो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि मिस्टर महेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर है और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने प्राइम एफएस एक गलत काम किया है जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोटेड अनकोटेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट, यानी कि जो पहले लर्नड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनएबल टू डिफेंड, यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू, यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का
मेरे को कोर्ट ने का अधिकार दिया। मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा, जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है।